एशियाई हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान भारत। यहाँ के जंगलों में 30,000 के करीब हाथियों की संख्या पाई जाती है, और यही एक मुख्य कारण है कि यहाँ पे हर साल हाथी मानव संघर्ष में बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। यहाँ पर साल 100 से 500 लोगों तक की मृत्यु दर्ज की गई है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हाथी के हमले से किस तरह से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे विश्व में दो तरह की हाथी पाई जाती है। एक हाथी अफ्रीकी हाथी के नाम से जानी जाती है, और यह जो हाथी आप देख रहे हैं ये एक अफ्रीकन हाथी है, और इसका आकार भारतीय हाथी से या एशियाई हाथी से काफ़ी बड़ा होता है। अफ्रीकी हाथी का पहचान उसके बड़े कान से, उसके बड़े शरीर से और उसके बड़े सूंड और दांतों से भी की जा सकती है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, और इसकी तुलना में आप जो हाथी अभी देख रहे हैं या एशियाई हाथी है या भारतीय हाथी है, यह बहुत ही छोटे होते हैं। इनके कान भी छोटे होते हैं और इनका आकार आप देख सकते हैं अफ्रीकी हाथी से काफ़ी छोटा होता है। इन दोनों हाथियों में बहुत विभिन्नताएं हैं जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम हाथी से बचने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। भारत में हाथियों की संख्या तकरीबन 30,000 के करीब है, और राज्यों के हिसाब से आप देख सकते हैं इनकी संख्या इस तरह से है। इन हाथियों के आवागमन के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, जिनमें से 70% कॉरिडोर अभी यूज किए जाते हैं। बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं जहां पे हाथी अच्छी तरह सुरक्षित ढंग से रह सके। कॉरिडोर हाथी आवागमन का एक रास्ता होता है जो आदिकाल से हाथी उपयोग कर रहे होते हैं, और इन्हें चिन्हित करके इन्हें संरक्षित किया जाता है। पर ऐसे कॉरिडोर पे कुछ इस तरह के विकास कार्य विनाश के तरफ हाथियों को ले जाता है। हाथियों का कॉरिडोर खत्म होने के कारण ही हाथी मानव संघर्ष बढ़ रहे हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन जंगलों पे निवास करते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है जिनके गांव के आसपास या घरों के आसपास हाथियों का झुंड अक्सर पहुंच जाता है। आज का वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जिनके रास्तों पे हाथी अक्सर खड़े मिलते हैं, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिनके घरों के आसपास अक्सर रात के वक्त में हाथी का आगमन होता है और घर को तोड़ के घरों में रखे हुए अनाज को खा लिया जाता है। हमारे क्षेत्र में अक्सर जंगलों के बीच में कुछ इस तरह से गांव बसे हुए दिखेंगे। यहाँ पे जंगलों के आसपास ही जो घनी आबादी है वो विकसित हुई है, और हमारी जो गाँव शहर है वो जंगल के आसपास में ही बसे हुए हैं। और हाथी एक ऐसा जीव है जो भोजन और पानी की तलाश में अपने जीवन काल में हजारों किलोमीटर की यात्रा को तय कर लेता है, और इसी बीच इनका सामना खेतों पे काम कर रहे किसानों से होता है, किसानों के द्वारा उगाए गए फसलों से होता है, और इन्हीं रास्तों पे अक्सर उनका सामना जंगल के आसपास रहने वाले उन आदिवासियों के साथ में भी होता है जो अपने दिनचर्या की चीज़ों को एकत्रित करने के लिए जंगल में जाते हैं, अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, और बहुत से संसाधनों को एकत्रित करने के लिए जंगलों में जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में अक्सर हाथियों का मुठभेड़ होता है। हाथियों का मुठभेड़ जंगल के रास्तों से सफ़र करने वाले लोगों के साथ में भी बहुत अधिक होता है। तो अगर आप भी इसी तरह के घटनाओं से बचना चाहते हैं तो आज का वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। अगर आपका भी घर जंगलों पे बसा हुआ है और आपके भी घर के आसपास में हाथियों का आना जाना रहता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जंगलों में हाथी आते हैं और वो जंगलों के आसपास के गांव में भी पहुंच जाते हैं। जब तक हाथी जंगल में रहते हैं तब तक तकलीफ नहीं होती है, पर जब वो खाने की तलाश में गांव या हमारे घरों तक पहुंचते हैं तब दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ती है और हमारी तकलीफें भी बढ़ती हैं। पर हाथी के कुछ कमजोरी भी होते हैं,
और अगर हम हाथी की कमजोरी जान जाएं तो हाथी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाथी दौड़ सकता है पर हाथी कूद नहीं सकता है। हाथी एक ऐसा जीव होता है जो जिग जैग पैटर्न पे नहीं भाग सकता है, यानी अगर आप आड़े तीर से भागते हैं तो आप हाथी से अपनी जान को बचा सकते हैं, क्योंकि हाथी इस तरह से नहीं भाग सकता है। अगर आप जंगल के बीचों बीच रास्ते पे सफर कर रहे हो और हाथी से आपका सामना हो जाता है तो आप किस तरह से बचेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हाथी के सामने आपको हवा की दिशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हवा आपसे हाथी की तरफ ना जाए। आप हाथी से बचने के लिए एक संकीर्ण गड्ढे का उपयोग कर सकते हैं, जहां पे आप खुद को छिपा के हाथी से बच सकते हैं। अगर हाथी आपको दौड़ाता है तो अपने शरीर से कोई वस्त्र फेंक के भी आप हाथी को अपने से दूर कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े पेड़ या बड़े पत्थर या बड़े किसी छिपने के चीज के पीछे में चले जाते हैं तो आप हाथी से आसानी से अपनी जान बचा सकते हैं। और जब कुछ भी काम ना आए तो हाथी के सामने डट के खड़ा रहना भी आपकी जान को बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में अटपटा लगता है पर यह हकीकत है। अगर रात के वक्त में हाथी आपके घर के आसपास पहुंच जाते हैं तो सूखी मिर्ची का धुआं, यानी सूखी मिर्ची को आग में जला के अगर आप धुआं करेंगे तो हाथी आपके घर से दूर भाग जाएंगे। यह कुछ तरीके हैं जिनको आजमा के आप हाथी को अपने से दूर भगा सकते हैं और हाथी से अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके खेत जंगलों के आसपास में हैं और आप खेती बाड़ी के लिए खेतों के आसपास जाने वाले हैं तो समय का ध्यान रखें, शाम और भोर के समय में खेतों के आसपास में न जाएं। अगर आपका घर जंगलों के आसपास में है और आप अक्सर बकरी चराने या कोई भी मवेशी चराने के लिए जंगलों में जाते हैं, अपने दिनचर्या के संसाधन जुटाने के लिए जंगलों में जाते हैं, तो आप हाथियों के बारे में एक बार जानकारी जरूर रखें। अगर आपके आसपास में हाथी मौजूद हो तो जंगल के ज्यादा अंदर ना जाएं। हाथियों से बचने का सबसे सरल उपाय होता है हाथी से दूरी बना के रखना। आप हाथी से जितना दूर रहेंगे हाथी से बचने का संभावना उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हाथी खुद को बचाने के लिए लोगों के ऊपर में हमला करता है। हाथी हिंसक प्राणी नहीं है और वो किसी इंसान को खाने के पर्पस से हमला नहीं करता है। वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का सुरक्षा चाहता है, और यही एक कारण है कि हाथी किसी भी जीव को अपने टेरिटरी के अंदर में देखना नहीं चाहता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। हाथी एक शांत स्वभाव का जीव होता है और वो अपने टेरिटरी में अंदर जाने पर ही किसी जीव के ऊपर में हमला करता है। अधिकतर समय हाथी घने जंगलों में पानी के स्रोतों के आसपास में रहते हैं, पर घटते जंगल और भोजन की कमी उन्हें जंगल से बाहर निकलने में मजबूर कर रही है। उनका कॉरिडोर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यही कारण है कि हाथी और मानव का संघर्ष बढ़ रहा है। तो दर्शकों, जब भी हाथी से आपका सामना हो तो सबसे पहले अपना धैर्य बनाए रखें। हाथी विचलित होने पर ही हमला करता है। अगर आप जंगल के रास्तों में सफर कर रहे हो और अचानक से आपके सामने में हाथी आ जाता है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को हाथी से दूरी पर ही रोक दें। हाथी के नजदीक अपने वाहन को ना लेके जाएं। हाथी जितना डरेगा उतना ही आक्रामक होगा और वो अपने बचाव के लिए आपके ऊपर में हमला भी कर सकता है। इसीलिए सभी जगहों पे आपको देख सकते हैं लिखा हुआ रहता है कि रास्ते का प्रथम अधिकार हाथियों को दें। इसका यही मतलब होता है कि अपने वाहन को आप हाथियों से दूर रखें और रास्ते पे उन्हें आराम से पार करने दें। हाथी बहुत ही शांत स्वभाव के जीव होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हाथी एक गाड़ी के सामने पहुंच जाते हैं पर वो हमला नहीं करता है। आप देख सकते हैं यह एक सफारी गाड़ी है जो जंगल सफारी पे टूरिस्ट को ले के जाता है, और इसके बहुत ही नज़दीक में हाथियों का झुंड पहुंच चुका है पर अभी तक हाथी इस गाड़ी के ऊपर में हमला नहीं किया है, क्योंकि हाथी को इस गाड़ी से अभी तक कोई खतरा महसूस नहीं हुआ है। और यही एक कारण है कि इन गाड़ी पे बैठे हुए जो लोग हैं वो आराम से यहाँ से हाथियों को देख सकते हैं।
पर जैसे ही इन हाथियों को आभास होगा कि यह गाड़ी उनके लिए या उनके बच्चे के लिए खतरा है तो वो इसके ऊपर में हमला कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसे वक्त पे यह जो गाड़ी है वो अचानक से स्टार्ट करता है, हॉर्न बजाता है या शोर शराबा करने का कोशिश करता है तो डेफिनेटली ये जो हाथियों का झुंड है वो इस गाड़ी के ऊपर में अटैक करेगा। आप देखिए किस तरह से ये जो ड्राइवर है वो बहुत ही आराम से गाड़ी को पीछे कर रहे हैं ताकि हाथियों को किसी तरह का कोई डर महसूस ना हो और वो अपने आसपास आराम से रह सकें। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है और वो बहुत सारे पारिवारिक बंधनों से भी बंधा होता है और यही कारण है कि हाथी अपने परिवार को लेके बहुत ही चिंतित होता है और उसकी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होने देता है। यह देख सकते हैं जिज्ञासा के लिए हाथी कितना करीब पहुंच गया है और यह एक सिग्नल है कि आप गाड़ी को पीछे खींच ले, यह गाड़ी उसे परेशान कर रहा है। आप देख सकते हैं हाथियों की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में ऐसे बहुत से वीडियोज मिलेंगे जिन पे आप हाथियों के बॉडी लैंग्वेज के बारे में जान सकते हैं। आप देख सकते हैं हाथी इस गाड़ी को धीरे धीरे और एक्सप्लोर करना चाह रही है, इसके बारे में जानना चाह रही है, पर ये जो वक्त है इस वक्त में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। ऐसे वक्त पे अगर आप डरते हैं तो डेफिनेटली हाथी आपके ऊपर में हमला करेगा। कभी आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप किस तरह से हैंडल करेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही करीब पहुंच चुका है और हाथी हमेशा ही अपने बच्चे को देखिए अपने आसपास और बीच में रखता है ताकि कोई भी दूसरे जीव से उसे किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। बहुत ही आराम से यहाँ पे हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है पर यह काफी खतरनाक है। आप कभी भी इस तरह का ट्राई ना करें, यह जान जोखिम में डालने वाली काम है। और अगर कभी आपके साथ में अचानक से ऐसी कोई स्थिति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है तो आप अपने आप को धैर्य बनाए रखें, अपना मनोबल ना गिरने दें। और देखिए किस तरह से ये जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी को आराम से धीरे धीरे पीछे ले रहा है क्योंकि अभी यहाँ से अचानक से गाड़ी को ब्रेक करना भी इसके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसीलिए कुछ इस तरह से धीरे धीरे आपको बैक फुट पे जाना है और देखिए हाथी भी आपको आराम से जाने देते हैं, पर अगर आप यहाँ से तेजी से वाहन को पीछे लेंगे तो हाथी आपको दौड़ाएंगे, आपका पीछा करेंगे और हो सके हाथी आपके ऊपर में हमला भी कर सकता है। अगर इस तरह की परिस्थिति कभी आपके साथ में उत्पन्न होती है तो कभी भी गाड़ी से निकल के बाहर भागने का कोशिश न करें क्योंकि आप गाड़ी से निकल के भागना चाहेंगे तो हाथी आपके ऊपर में हमला करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, आप गाड़ी के अंदर जितना देर तक बैठे रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे और यही एक बचने का सबसे उचित और आसान तरीका है। अगर आपका हाथियों के साथ में सामना हो चुका है या आपके घर के आसपास, आपके गांव के आसपास हाथी पहुंचते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी स्थिति में अगर आप किसी जंगल सफारी पे गए हो और इस तरह से हाथी आपके गाड़ी के करीब में आ जाए तो आप किस तरह से बचना चाहेंगे यह हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। मिलते हैं हमारे नए वीडियो पे नई जानकारी और नए जगह के साथ में।